पूरी दुनिया समेत भारत में कोरोना लगातार रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। वहीं भारत की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामले लगातार घट और बढ़ रहे हैं। पहले जहां राजधानी में हर रोज 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे थे, उस पर अब धीरे धीरे रोक लग रही है। सोमवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2548 नए मामले सामने आए और 32 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3672 मरीज ठीक हुए हैं। दरअसल दिल्ली से हैरान करने वाली बात यह है कि कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 5000 को पार कर गया है। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में अब तक कोरोना से 249,259 लोग संक्रमित हुए हैं और इसमें से 213,304 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक 5014 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। फिलहाल दिल्ली में 30,941 कोरोना के एक्टिव केस हैं, इनमें से होम आइसोलेशन में 19,213 मरीज हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में हर रोज 30,000 से 40,000 के बीच कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन दोनों तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं राजधानी में कोरोना से बढ़ती मौतों को देखकर सीएम केजरीवाल ने कमेटी भी गठित की थी ताकि कोरोना से हो रही मौतों को कम किया जा सके। कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार लगातार काम कर रही है, जिसके कारण दिल्ली में धीरे धीरे कोरोना से हो रही मौतों की संख्या घट भी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।